अस्सलाम वालेकुम मयूरी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ एक दामन का खूबसूरत डिज़ाइन शेयर करूंगी आपके साथ, जो हम फैब्रिक की स्ट्रिप से बनाएंगे। ये शर्ट मैंने स्टिच कर लिया है, इसके दामन पे मैंने स्ट्रिप से डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। सब हम इसके साथ मैंने इसकी मैचिंग की है, इसकी हम स्ट्रिप्स बनाएंगे और इसको लगाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ आपके, बनाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए। दो कलर में भी आप लगा सकते हैं, तीन कलर में भी स्ट्रिप्स बना सकते हैं और एक कलर में बना सकते हैं। उसके लिए हमें चौड़ाई चाहिए तकरीबन 2.5 इंच और लेंथ आपके डिज़ाइन के हिसाब से होनी चाहिए। सबसे पहले हमने स्ट्रिप को फोल्ड करना है और इस पर एक पाँव की सिलाई लगानी है। सिलाई लगा के हम इसको प्रेस करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने दामन पे कैसे अटैच करना है। हमने इसको इस तरह पलटना है पूरी, इसको स्ट्रिप को इस तरह एक पाँव सिलाई लगा के इसको मैंने प्रेस कर लिया। ये कुछ इस तरह से इसकी शेप आएगी। अच्छा, प्रेस करते हुए मैं आपको एक टिप दूँ कि जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये इस तरह इस शेप में आ जाएगी पट्टी जो है हमारी, स्ट्रिप जो हमारी है। तो हमने इसको, ये जो सिलाई हमारी है, इसको घुमा के बीच में ला के तो इस तरह प्रेस करना है, फिर ये इस तरह इसकी शेप आएगी। ये 3-3 इंच की स्ट्रिप काट लेंगे अपनी। एक स्ट्रिप काट के इस तरह रख के सारी काटते जाएं। हमने अपनी स्ट्रिप को लेकर यूँ डबल करना है और शर्ट के दामन पे रख कर हम यहाँ पर एक पाँव की सिलाई लगाएंगे। चलिए मैं आपको सारी स्ट्रिप लगा के दिखाती हूँ कि किस तरह लगेंगी। चलिए हम अपने स्ट्रिप को लगाते जाएंगे 1-1 इंच 1.5 इंच के फासले पे, जिस तरह आपका दिल करे आप लगाते जाएं। चलिए हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर। हमारी स्ट्रिप्स मैंने इस पर लगा ली हैं। अब इसके ऊपर हमने ये करना है कि एक हमने कपड़ा लेना है, एक ये 1.5 इंच का होगा तकरीबन। अब हम ये कपड़ा लेंगे, इसको हमने इस तरह यू फोल्ड करना है पहले इस तरह थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये चौक बना हुआ है पहले। ये देखिए मैंने चौक पहले बना लिए थे इसके, तो इसको पहले हमने यू करना है और ये हमारे पलटने वाला कपड़ा है, और फिर हम इस तरह इसको पीछे से इस तरह कर देंगे। चाहे तो आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। इस तरह करके हमने इसके ऊपर इस तरह इसको रख देना है और हम सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इसके किनारे किनारे पे सारी सिलाई लगा लेनी है। हमारे यहाँ पे सिलाई लग गई है, इसको हमने अब इस तरह यूँ करके पलट देना है। इसको देखिए ऐसे हम इसको पलट देंगे और इसको हम प्रेस कर लेंगे और यहाँ पर, यहाँ किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे ये इस तरह।
जो मैंने आपको सिलाई बताई थी वो मैंने किनारे किनारे पर लगा ली है। ये देखिए इसका बैक ये है और फ्रंट इस तरह इसका होगा तैयार हमारा। देखिए कितना नीट डिज़ाइन बना है। इस तरह आप डिज़ाइन अपने ट्राउज़र पर, दुपट्टे पर, आस्तीन पर कर सकते हैं। ये मैंने दामन पे बनाया है और इस पे आप टसल और बीड्स, पर्ल्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। अगर सिंपल आपको पसंद है सिंपल पर पहन लें डिज़ाइन। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।